निकालो, फिर से निकालो। ये सब टूट गया है, ये टूट गया है। आज के डेट में इतना ज्यादा मेरे को नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। सो दोस्तों, मैं कल की डेट में शाम में मैं बैटरी जो गाड़ी का चेंज करके मैं अपने बाइक का स्कूटी का और जस्ट जा रहा था, तो आगे से जस्ट एक लड़का अचानक से इसको क्रॉस किया रोड को और मैं जस्ट डिस्क ब्रेक को मारा, बस मारा तो बस मेरा गाड़ी वहां पे एकदम भयानक से एक्सीडेंट कर गया। तो दोस्तों बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो गया है, गाड़ी टूट गया है, जस्ट आगे का जो वाइजर होता है वो फाइबर का होता है तो वो जो वाइजर है जो टूट गया है और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। बट खास बात यही है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा चोट वोट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, बस गाड़ी का वही वाइजर टूट गया। और बहुत मतलब 15 दिन ही हुआ है मेरे को स्कूटी लिए हुए और बस राइड कर रहा हूँ, आराम आराम से मैं राइड करता हूँ क्योंकि बेंगलुरु के शहर में बहुत ज्यादा राइड करते हैं लोग स्पीड में। अभी ऑफिस गया तो सर से बात किया कि सर मेरा कल के डेट में गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गया है, तो सर बोले कि ठीक है तो एजेंसी में आना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। तो सर को मैंने फोटो डाल दिया है कि सर इतना जो वाइजर है सब टूट उठ गया है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि गाड़ी अगर आप लोग चला रहे हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी हो, तो आप लोग बढ़िया से गाड़ी को चलाएं और आराम से चलाएं। डिस्क ब्रेक की कोशिश करें कि एकदम कम से कम लेने के लिए, डिस्क ब्रेक से बहुत ज्यादा खतरा होता है। मेरा भी जो भी हुआ सब डिस्क ब्रेक के चलते हुआ। अगर वहां पे मैं डिस्क ब्रेक को लेकर के ना, अगर बैक वाला अगर ब्रेक के कर लेता तो शायद चांस था कि कुछ भी नहीं होता, गाड़ी से बजाता। बताइए कि नया गाड़ी मतलब टूट गया, कितना भयानक स्क्रैचिंग हो गया है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी। ये है स्कूटी और अभी दिखाते हैं जस्ट यहाँ पे क्या टूटा है। ये रहा, ये जो आगे का जो वाइजर है ये पूरा खत्म हो गया। आगे से पूरा खत्म हो गया, पूरा है ना, इस तरफ गिरा, उसके बाद यहाँ फिर स्केटिंग हो गया, बहुत ज्यादा स्क्रेच है। इस तरह से पूरा कैसे हो गया पूरा एकदम 10 डेज में। तो चलिए चलते हैं फिर, अब देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं। तेज चलोगे तो क्या सीन आएगा क्या? तो क्या सीन आ रहा था देख रहे, ये सीन आएगा मेरा ब्लॉगिंग में नहीं लेना है। वो लड़की आ गई, वो देख रही थी क्या कर रही है। बैटरी है, अब बैटरी है, बैटरी तो मैं वहीं से ले गया। लेट मी टेल यू गुड टेस्ट ऑफ योर अटेंशन। ले सीट में गिरा था भाई, देखो रेड कलर में, देखो टूटा हो गया। चलते रहो चलते रहो, यहीं पे मैं गिरा था यार, अचानक से वो लौंडा आ गया। टिट टिट प्लीज साइड 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 बच्चों लोग। देखिए गाड़ी का हमारा क्या हाल हुआ है। देखिए दिख रहा है ए भरत, और भरत को देखिए, भरत को, भरत से ज्यादा गाड़ी टूट गया यार, पूरा ये जो आगे का वाइजर है पूरा टूट करके पूरा, तो यहाँ पे ज्यादा लग गया है, यहाँ पे इसका ब्लड आ रहा है बहुत ज्यादा। ये दिखा दो, इधर कुछ नहीं है। अरे तू जवान लड़का यार, तेरा चलेगा। गाड़ी का देखो, इली इली क्या हो रहा है इधर, उसका इसमें कैसे लगता है, इसमें 100 रुपीस ना परचेस अमाउंट ना, परचेस 600, न्यू परचेस 600 ना, परचेस 100। ओके 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 डन ब्रो। बट ये पैनल पैनल कहाँ पे जा रही है, पैनल पैनल बतिल्ला कहाँ पे, मतलब क्या करना है इसको, जिम करना है क्या? ओ क्लीनिंग हो रहा है, क्लीनिंग। ओके ओके ओके, तो हमारे रूम में यहाँ पे जिम भी है ना ब्रो, दिस इज वेट, नो गेस द वेट, डंबल
तो यहाँ पे बहुत बड़ा है एक लिफ्ट, मतलब डेड लिफ्ट करने वाला, एक छोटा वाला भी, उसके बाद बॉल, उसके बाद इसको क्या बोलते पता नहीं, बट मतलब इससे सिक्स पैक बनता है। एंड और ये हो गया ऐसे करके, मतलब पुशअप करने वाला, और ये हो गया क्या इसको बोलते हैं, मतलब ये बाइसेप्स के लिए। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे है मेरे रूम में। ये लॉकर, ये लॉकर ब्रो, ये नट है क्या? नट नट फिक्स करने के लिए। वाओ, ओहो, दिस इज द सेम साइज ब्रो। हाँ सेम साइज, हेवी ना, हेवी पैनल। ये फाइबर है ना, ये तो हेवी है। वाओ, और हमारे ये शंकर जी हैं यहाँ। तो ओके फाइनली गाइस, सब हो गया शाम, अब बेड वगैरह सब खा लिए, अब जाते हैं सोने और सुबह में फिर से उठना है। तो चलिए, वीडियो अच्छे लगे, ब्लॉग्स अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके थैंक यू।